हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज अपन त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, त्रिभुज पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। त्रिभुज, ये त्रिभुज पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। परिभाषा लिखिए कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आपको बता दें कि एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तीन क्या होती है? एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अपन त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यदि आपको प्रश्न दे दे कि एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में प्रश्न में त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अपने पास में है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 के 1/2 रख दो गुणा आधार, आधार कितना है? 10 है, 10 रख दो गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 12 है, 12 रख दो। 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 का 12 से गुणा, 5 गुणा 12, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। कितना आया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपन ने त्रिभुज के बारे में बात की। अब इस त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटेंगे और फिर आप कोणों के आधार पर बांटेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर। यहाँ बांट देते हैं त्रिभुज को
पूजाओं के आधार पर। और यहाँ पर बांटेंगे त्रिभुज को कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। पूजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, यदि आपको पूछ ले कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, तो भी तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के। कितने? तीन प्रकार के। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजाओं के आधार पर। अब अपन बात करेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। यह आपने भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को बांट दिया है। अब अपन पहले बात करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है ना, इसमें प्रत्येक के एक एक बार एक एक के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में अपन कोणों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले अपन भुजाओं के आधार पर बात करते हैं। तो भुजाओं के आधार पर अभी आपको लिखा था, पहला कौन सा था? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज, विषम, विषम का अर्थ है सभी अलग अलग। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो इसकी मान लो ये भुजा है 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई 5 है, इसकी 12 है, इसकी 13 है, तो तीनों अलग अलग हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा लिख दीजिए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है? अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। ये हो गया क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी।
किसी भी आकृति का आपको परिमाप याद करना है तो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। विषमभुज त्रिभुज का परिमाप याद करना है तो इस तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब आप पूछोगे कि ये एस यहाँ भी एस आ रहा है, यहाँ भी एस आ रहा है, यहाँ भी एस है, तो ये एस है क्या? तो एस है वो अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब इस परिमाप का आधा, परिमाप में आप दो का भाग दोगे तो आपके पास में एस आएगा। एस ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ करके दो का भाग दे दो, आपके पास में एस आ जाएगा। ठीक है, और ए बी सी ये क्या है? ये ए बी सी ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या हैं? त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी सी। ठीक है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी। तो यह आपने विषमभुज त्रिभुज का के बारे में चर्चा की, इसका प्रश्न आगे करेंगे। अब देखिए विषमभुज के बाद अपन बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज भुजाओं के आधार पर दूसरा त्रिभुज आपने अभी लिखा था समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें आपको दिख रहा है समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा अलग हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए कि मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी। अब मान लो जैसे कि ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो गई और ये 7 हो सकती है या फिर सभी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तीसरी भुजा अलग हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा लिखिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तीसरी भुजा अलग हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा अलग हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है बी बटा फोर अंडररूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बी बटा फोर अंडररूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप याद करने का सूत्र है 2a प्लस b, यानी a है वो समान भुजा है, b है तीसरी भुजा, a बराबर समान भुजा और b बराबर तीसरी भुजा। यह आपने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी ले ली है। अब इस त्रिभुज का तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार कौन सा था? समबाहु।
तीसरा है समबाहु त्रिभुज। तो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि समबाहु यानी सम यानी समान, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे ये त्रिभुज है ए, ये बी, ये सी, मान लो ये भुजाएं वो आप मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 हो गई और ये भी 10 हो गई। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है √3/4a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? √3/4a² ए का मतलब होता है भुजा, ए का मतलब क्या होता है? भुजा। यहाँ पर आप √3/4 × भुजा² ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस ए का मतलब होता है भुजा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं समान है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तीनों समान है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप याद करने का सूत्र है 3a, यानी कोई भी एक भुजा ले लो और उसका 3 से गुणा कर लो तो आपके पास परिमाप आ जाएगा। या फिर आप तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा, या फिर एक भुजा का 3 से गुणा करोगे तो भी वही आएगा। संभव त्रिभुज का परिमाप याद करने का सूत्र है 3a, यानी 3 × भुजा, ये आपके संभव त्रिभुज का परिमाप हो गया। और संभव त्रिभुज में प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का बनता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। यहाँ लिख देते हैं कि संभव त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। यह आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में चर्चा कर ली है, और कोणों के आधार पर अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। और हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।